हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। आज की वीडियो में देखने वाले हैं वैक्सीन एंड सीरा, ठीक है ना। वैक्सीन और सीरा के बीच में क्या डिफरेंसेस होने वाला है, वो चीज पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि वैक्सीन क्या होता है और सीरा क्या होता है, ठीक है। वैक्सीन होता है कि ऐसा उसमें इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस रहता है, कोई एंटीजेनिक रहता है जो कि अपने बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। वैक्सीन लगाया जाता है क्योंकि डिजीज को प्रिवेंशन करने के लिए, ठीक है ना। कोई भी पैथोजेंस है तो उसे बॉडी को क्या करता है, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और सीरा जो होता है, जो ब्लड जब भी ब्लड जो अपने ट्यूब में रखते हैं तो, ठीक है ना, तो ट्यूब में जो भी ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ब्लड सेल से आपको पता है कि क्लॉट हो जाता है तो वो निचले हिस्से में आ जाता है और जो ऊपर के हिस्सा में जो बचता है उसको हम सीरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच के जो डिफरेंस क्या होता है वो हम डिस्कशन करने वाले, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, वैक्सीन स्टिमुलेट एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक ना। वैक्सीन जब भी लगता है अपने बॉडी में या चाइल्डहुड में लगता है या फिर आपको कोविड का वैक्सीन भी लगा होगा, तो क्या है ये अपने एक्टिव इम्यूनिटी को, जो अपने एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और स्टिमुलेट करने के बाद से पैथोजन्स को डिटेक्ट करता है और उसको किल करने में हेल्प करता है, मीन्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और सीधा क्या होता है, प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी को क्या करता है, सीरा जो है वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स कि आपको एक्टिवली अपना बॉडी के ऑन हो गया, और पैसिवली कि मतलब कि आफ्टर बर्थ या हम किसी सेकेंड वे से हमको जो इम्यूनिटी मिलता है उसको क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडी। वैक्सीन में क्या होता है, पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडी है। जब भी वैक्सीन लगता है ना तो क्या होता है, वैक्सीन के साथ कुछ ऐसा एंटीजेनिक या ऐसा कुछ एंटीजेंस रहता है उसमें कि अपने बॉडी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए कि अगर BCG का वैक्सीन लग रहा है, ठीक है ना, तो BCG का वैक्सीन जब लगता है तो कुछ ऐसा एंटीबॉडी अपने बॉडी में प्रोड्यूस होगा कि वो स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक मतलब कि सिर्फ वो BCG के मतलब अगेंस्ट में लगता है, जैसे कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक ना, ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के अगेंस्ट में वो BCG जो काम करेगा, ये स्पेसिफिक मतलब कि सिर्फ उसके लिए होगा, ठीक है। और सीरा के अंदर देखा जाए तो पर्सन रिसीव्स एंटीबॉडी सीरम के थ्रू। अगर सीरम किसी को दिया जाए, डोनेट किया जाए, तो सीरम से क्या होता है कि डायरेक्टली एंटीबॉडी उसमें रहता है, तो ये एंटीबॉडी वो रिसीव करता है। लेकिन वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू पैथोजन्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैथोजन्स। मान लीजिए कि BCG लगाए तो BCG के अगेंस्ट में बनेगा। मान लीजिए कि अगर COVID-19 का अगर हम लोग को टीका मीन्स की वैक्सीन लगाता है तो COVID-19 के अगेंस्ट में एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी बनेगा वैक्सीन के थ्रू। वैक्सीन लगता है तो बनेगा, लेकिन अगर सीरम दिया जाता है तो सीरम्स में ऑलरेडी एंटीबॉडी बना हुआ है, हम सीरम एंटीबॉडी डायरेक्ट उसको डोनेट कर रहे हैं, ये मेजर डिफरेंसेस है। थर्ड पॉइंट है यूज फॉर लॉन्ग टाइम प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि बचाव करना, प्रिवेंट करना, किस चीज को प्रिवेंट करना, अपने बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करना, ठीक है, किसी भी डिजीज से, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। ये लॉन्ग टाइम के लिए वैक्सीन जो लगता है कि लॉन्ग टाइम के लिए प्रिवेंशन, जैसे कि मान लीजिए कि बचपन में भी बहुत सारा वो लगता है, वैक्सीन लगता है, BCG का लगता है, फिर उसका बूस्टर डोज भी लगता है, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर सीरा के अंदर देखें तो यूज फॉर शॉर्ट टाइम प्रोफाइलेक्सिस एंड टेम्परली। टेम्परली मतलब कि कुछ टाइम के लिए, और शॉर्ट टाइम के लिए कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए तो नहीं, कुछ सालों के लिए। तो ये शॉर्ट टाइम प्रोफाइलेक्सिस के अंदर आता है सीरम, और वैक्सीन जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन वैक्सीन के अंदर क्यों लॉन्ग टाइम के अंदर आ रहा है कि ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर रहा है, ये अपना बॉडी इतना केपेबल हो गया है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। लेकिन इसमें सीरम के अंदर क्या देखा, तो सीरा के अंदर की एंटीबॉडी रिसीव कर रहा है, डायरेक्ट एंटीबॉडी रिसीव कर रहा है, तो वो प्रोड्यूस के लिए केपेबल नहीं है। लेकिन वैक्सीन जब लेते हैं तो हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस के लिए केपेबल है, इसीलिए ये लॉन्ग टाइम के लिए वैक्सीन कारगर रहता है। फोर्थ पॉइंट है इम्यूनिटी डेवलप स्लोली और इम्यूनिटी डेवलप्स क्विकली। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस मतलब कि बनना या निकलना, ठीक है। तो एंटीबॉडी यहाँ पे बन रहा है और प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एक थोड़ा
एक प्रोसेस से सफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्लोली, अगर किसी भी चीज थोड़ा प्रोसेस से जा रहा है तो थोड़ा स्लोली होगा, उसमें टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन ये सीरा के अंदर क्या है, डायरेक्ट बना बनाया एंटीबॉडी है, बना बनाया एंटीबॉडी है। तो यह क्या कर रहा है कि क्यूटली, मान लीजिए कि अगर हम ऑर्डर करते हैं खाना, ठीक है, खाना हम ऑर्डर करते हैं तो हमको बना बनाया हुआ है, ठीक है, हम खा लेते हैं तुरंत। लेकिन अगर हम खुद से बनाते हैं, ठीक है ना, मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं, हम बनाते हैं, तो बनाते हैं तो टाइम लगेगा, हमारे पास सारा सामान चाहिए, हर कुछ, सब्जी रोटी, मतलब एक एक तरह का से प्रोसेस वाइज समझा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इसमें क्या है कि सीरम क्या है कि ऑलरेडी रिसीव कर रहा है एंटीबॉडी, मतलब कि इसको बना बनाया मिल रहा है, तो एक्शन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, कंटेंट्स डेड हाफ डेड बैक्टीरिया और टॉक्सिन, ठीक है। और वैक्सीन के अंदर जब भी लगता है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया हो गया या टॉक्सिन हो गया या वायरस का भी कुछ उसमें कंटेंट रहता है, ठीक है, उसका कुछ पार्टिकल्स रहता है, ठीक है। वो जैसे कि हाफ डेड हो गया, मान लीजिए कि कोई भी बैक्टीरिया है वहाँ पे, क्या कि हाफ डेड है या डेड है, ठीक है, तो वो एक तरह का एंटीजन है। और वो एंटीजन जो अपने बॉडी में जब इंजेक्ट किया जाएगा तो अपने उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगेगा, जो कि एंटीबॉडी क्या करेगा, अपने बॉडी को प्रिवेंट करेगा। लेकिन ये देख रहे हैं डेड है और हाफ डेड है, तो मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, तो आप सोच सकते हैं कि बैक्टीरिया है तो ये डिजीज कॉज क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ये डेड है, हाफ डेड है, ये इतना केपेबल नहीं है कि अपने बॉडी को डिजीज कॉज कर सके। लेकिन इतना केपेबल जरूर है कि एंटीबॉडी को ये प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट है सीरा के अंदर देखते हैं, डज नॉट कंटेंट्स हाफ डेड बैक्टीरिया और टॉक्सिन, ठीक है ना। हम तो इसमें सीरा ले रहे हैं तो सीरा में बैक्टीरिया और हाफ डेड और टॉक्सिन इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम वैक्सीन ले रहते हैं, वैक्सीन लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि डेड सेल्स हो गया, हाफ डेड सेल्स रहता है, इतना एंटीजन्स रहता है कि अपने बॉडी को वो अपना को बॉडी को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए उतना कैपेबल रख सके। तो आज के वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो, कोई अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो में अच्छा लगा, आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।